सो वेलकम बैक गाइस, आज हम केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रूफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि ये रिएक्शन दिया हुआ है, ए गिव्स बी, तो इसका रेट क्या होगा? आपने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में तो देखा ही था, रेट होगा माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये होगा फर्स्ट इक्वेशन। और इसका रेट के फर्स्ट ऑर्डर में यहाँ पे वन पावर आ जाता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, और फर्स्ट ऑर्डर नौ दोनों को कंपेयर करा देने पर ये आता है माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ए की पावर वन। अब हम इंटीग्रेट कराएंगे। अब इंटीग्रेट कराने पे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, अब इंटीग्रेट कराएंगे तो इसको नीचे ले आएंगे ए की पावर वन को, तो वन अपॉन ए डी ए इज इक्वल टू के डी टी को ऊपर ले आएंगे तो डी टी यहाँ पर आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा ज़ीरो से टी तक, और ये इंटीग्रेट हो जाएगा इसका माइनस साइन से ए नॉट से वन तक। तो अब इंटीग्रेटिंग हमें निकालना है, तो माइनस एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट इज इक्वल टू के टी के टी। आपने ये रूल पढ़ा ही होगा कि जैसे हम इंटीग्रेट करते हैं वन अपॉन एक्स डी एक्स को, तो एल एन एक्स आता है, वही हमने यहाँ पे किया है। वन अपॉन एक्स डी एस डी एक्स है तो एल एन एक्स आ गया है। तो नाउ हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं एल एन ए नॉट इज माइनस एल एन ए इज इक्वल टू के टी। सो ये फर्स्ट ऑर्डर की ये फार्मूला है जो आपको याद करना है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मूविंग डैट अनदर पार्ट, एल एन ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। जैसा कि इसको माइनस में है तो हमने अपॉन में कैसे लिख दिया, जैसे लॉग ए माइनस लॉग बी है तो हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन बी, ये ए ये बी, तो यहाँ पे ए अपॉन बी में ये फार्मूला है, इसी से हमने किया है। तो एल एन की जगह अब हम लिखेंगे 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल टू के टी। अब के टी को नीचे भेजेंगे 2.303 टी लॉग ए नॉट अपॉन ए। अब हम ग्राफ की बात करते हैं, इसकी फर्स्ट ग्राफ देखते हैं, इसका फर्स्ट ग्राफ जो ये भी बोर्ड में वन मार्क में पूछा जाता है कि ये कौन सा ऑर्डर का है, तो आपको दोनों ऑर्डर याद होने चाहिए इसके। तो यहाँ पे होगा एल एन ए नॉट, एल एन ए नॉट यहाँ पे स्लोप होगा माइनस के, जो कि यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट और कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, ये तो आपको पता ही होगा एल एन ए होगा यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। अब इसका हम सेकेंड ग्राफ देखते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड में। तो फॉर्मूले से हमें पता चलता है कि एल एन इज इक्वल टू 2.303 लॉग है। अब हम पुट करते हैं फॉर्मूले पे 2.303 लॉग ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, अब इसी को हम माइनस में कर देंगे यहाँ पे, तो 2.303 लॉग ए नॉट। सो यहाँ पे ग्राफ बनेगा इस इक्वेशन का, यहाँ पे भी नीचे जाएगा ग्राफ, तो ये होगा लॉग ए नॉट, लेकिन यहाँ पे स्लोप होगा माइनस के अपॉन 2.303, जो कि ये भी टाइम के और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में होगा बाई एक्स। सो गाइस, ये दोनों ग्राफ ही बहुत इंपॉर्टेंट है, वन मार्क्स के बोर्ड में पूछा जाता है। सो होप यू गाइस, ऑल यू गाइस लर्न दिस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू फॉर